witness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। दोस्तों मैं हूँ अल मेहताब गोट फार्म पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? बस दुआ है रईस भाई, कैसे हो? अच्छा, अल मेहताब गोट फार्म का एक और नगीना सेल के लिए आया है। अच्छा, काफ़ी रेयर आपके पास सेल के लिए निकलता है? हाँ, बहुत रेयरली निकलते हैं सेल पे। अभी जैसे सीजन नज़दीक आ रहा है बकरा ईद का, तो अब फिलहाल बेचने के बकरे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, जो पहले हुए उसमें से नहीं, नए आते हैं बिकने के लिए, जो आते हैं वो फॉर सेल के लिए निकलते हैं। अच्छा, अभी जिंग आप सेल के लिए निकाल रहे हैं, इसके बाद और भी आएगा लाइनअप में है कुछ? भाई इसके बाद एक और डायटम और जिंग की बात चल रही है, हो सकता है वो भी आए जल्दी देखने मिले। अगर डायरेक्ट भी किया इंस्टा के थ्रू तो अलग बात है, अगर यहाँ पे आए तो देखने मिल जाएगा। जी जी, देख लेते हैं, माशाल्लाह काफ़ी शानदार है। तो क्या डिटेल में होगा भाई? भाई ये बकरा 6 लाख पे है। 6 लाख पर है? हाँ। 30 किलो वजन समझो, 21 इंच की सिंग है माशाल्लाह, और स्लोप है अच्छा उसको, और सिंग करेगा बकरा, और इंशाल्लाह बहुत सिंग निकालेगा। अभी 6 दांत पे ही है, और 6 दांत के हिसाब से भाई सिंग भी कुछ नहीं है अभी, तो बहुत अच्छी करेगा। 21 इंच अब फिलहाल अभी है, अभी 21 इंच की है। तो आपके हिसाब से एक साल और कोई रखे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते सिंग? 24-25? हाँ, 25-26 तक इंशाल्लाह, अगर कैल्शियम वैल्शियम अच्छा देगा ना, मगर आप कर सकते हैं, पोटेंशियल है उसमें। क्या भाई, देख के सिंग लगता है कि कच्ची सिंग है, वैसे एक सिंग होती है तो देख के लगता है एकदम घट हो गई है, ये घट नहीं हुई, अभी कच्ची सिंग है, इंशाल्लाह और करेगा। एंड भाई आपके पास सब से मतलब? मेरे पास भाई अभी एक समझो ना, एक महीना भर भी नहीं हुआ है। ओके, नहीं हुआ है अभी, सेलिंग के लिए ही लिया था उसके लिए, लेकिन अभी इरादा ऐसा है कि अगर अच्छा रेट लगा तो, क्योंकि ऐसी चीज घड़ी घड़ी नहीं मिलती है। जो फर्मा है इसका, जो क्वालिटी है, चेहरा सिंग है ना, बहुत मेरे को तो मतलब अलग लग रहा है थोड़ा, तो ऐसा है कि अगर अच्छा रेट आएगा तो ही दूंगा, बाकी ऐसा ये देने का इरादा ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं पाल लूँ एक साल और। अच्छा, तो कुछ ऐसा होगा ना कि ये प्राइस के नीचे कॉल ना करे, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा है कि मेरे को इसके 40,000 भी लगे। हाँ, मैंने नहीं दिया हो और मेरे को ऊपर में ही देना, अगर मैं दिया तो रेट ऐसा हो कि अच्छा बकरा आपको मिले, तो अपने को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई अपना जो सेटिस्फेक्शन, जो एक्सपेक्टेशन था उतने तक हुआ है। सस्ता बकरा नहीं है ये शौक करने वाली चीज़ है, शौक करने वाली चीज़ है। मैं तो बोलूँगा भाई, अगर कुर्बानी के लिए लेना है तो ये मत लो, दूसरे कोई सिंग आएगा वो ले लो, ये ऐसा कोई ले जो पाल सके, एक साल रखे, मतलब 8 दांत पे कंप्लीट तो कर ले दो उसको, सिंग विंग देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छी करेगा। हो गया एग्जॉटिक चीज़ है, फुल एग्जॉटिक। अभी कैसे जहाँ से आए ना, बाल भी कटे हुए, बाल वाल का भी टेंशन नहीं, पूरा मेंटेन हो सकता है अच्छे से, अभी तो अपने ही पास मेंटेन हो रहा है, निलाई धुलाई में अच्छा है। और एक चीज़ है ये देखो, इसको ना जैसे कापूस बोलते हैं ना हम कॉटन, वैसा निकलता है वो, तो हम लोग इसको कहते हैं निला रहे। ये देखो ये जो है इधर, ये तो यहाँ से भी पूरा निकलता है, लेकिन हम लोग मिला मिला के डेली कंघी कर रहे हैं ना इसको, तो वो निकल चुका है, लेकिन हेयर क्वालिटी भी अच्छी है और सब अच्छा है भाई, मतलब मेरी ही चीज़ है, मैं ज़्यादा तारीफ करूँ भाई, मेरा ही बकरा, लेकिन कोई और भी देखेगा ना आगे वो भी इंशाल्लाह तारीफ ही करेगा। एक्चुअली देख के ही चीज़ समझ में आती है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अगर हमको करके देना है तो मुंबई में ही है कि बाहर कहीं ट्रांसपोर्ट करके हम लोग दे पाएंगे? भाई ट्रांसपोर्ट का ऐसा है कि एक्स्ट्रा चार्ज है। हाँ, वो तो है, रहेगा एप्लीकेबल एज पर एरिया को, इस किलोमीटर जो भी होगा, जैसा मतलब ट्रेन से अगर कहीं जाएगा तो जो भी उसका लगेगा वो जो भी लेगा उन्हें बता देंगे कि भाई इतना इतना चार्ज उसका हो रहा है। अच्छा, मुझे ये अपने बात नहीं हुई थी, लेकिन टोकन के बारे में आपको कुछ बोलना है, कि अक्सर होता है कि लोग टोकन डालते हैं उसके बाद माल उठाते नहीं है। भाई अगर समझो टोकन का इस पे सीन है ना, तो कैसा है कि अगर आपने बकरा मेरे से डन किया कि मैं इंशाल्लाह ये बकरा आपसे डन किया, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कोई भी अमाउंट में 5,000 रुपये आपने टोकन डाले, आपने बोले कि भाई 15 दिन के बाद पूरी पेमेंट डाल के मैं बकरा मंगा लूँगा, आपने टोकन डाले 15 दिन हो गए, अपनी बात बोली है, फिर जब फुल पेमेंट की बात है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है उसके बाद भी बकरा 15 दिन के बाद भी और 15 दिन बकरा रुका हुआ रहेगा कि अपने पास ही है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहे तो बकरा बिक जाएगा और टोकन वैलिड नहीं रहेगा। टोकन ऐसा है कि पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो रहेगा, क्योंकि भाई 15 दिन का बोल के एक महीना रुका है तो मेरी भी कुछ खावटी लगेगी उसमें, जो खिलाई पिला भी, जैसा मेरी खुद की जगह नहीं है
सबको लगता है खुद की है, मैं भी जो रखा हूँ मेरे को और को पैसा देना ही है, तो रेंट उसको उसको देना ही है। हाँ, उसका एक खाउटी लगी, हो सकता है आधी अमाउंट में टोकन की रिटर्न कर दूँ। और ये कहते हैं तो एग्जॉटिक है तो इसकी पलाई भी हाई रहती है, मतलब नॉर्मल पलाई भी नहीं, इसका बाल मेंटेनेंस है, जगह की साफ सफाई और सब है इसका। अच्छा, मैं ऐसा सोचता हूँ टोकन की भी एक वैलिडिटी होना चाहिए, एग्जाम्पल 15 डेज या कुछ। हाँ, क्योंकि बहुत नॉर्मली यही होता है बॉम्बे में कि बहुत से लोग हैं ना टोकन अगर अपने डाले हैं, अब वो तो कैसा है कि अगर नोन है कोई तो टोकन रिटर्न हो जाता है, बाकी ऐसा टोकन रिटर्न होता है नहीं। टोकन का मीनिंग यही है कि नॉन रिफंडेबल होता है। एंड बहुत सारे केसेस हम लोग यूट्यूबर्स को फेस करने होते हैं कि भाई बंदे ने जो टोकन डाल दिया, फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद कर दिया। एक लिमिट तक वो भी बकरा रुका देता है उसके में, तो एक वैलिड डेज होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आपने 15 दिन का टाइम मेरे से लिए हो, हाँ, तो मैं 20 दिन 25 दिन रुकाऊंगा बकरा। उसके बाद अगर मेरे टर्म सामने वाले से अच्छे है तो हो सकता है कि मैं रिटर्न आधा पैसा दूं, पूरा तो नहीं आधा, लेकिन अगर मैं नहीं जानता कोई अननोन है तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, आपके इधर जितने बकरे ज्यादातर मैं सबके नाम सुना हूँ, नाम होते हैं इसका कुछ नामकरण? इसका नाम स्नो है भाई, स्नो। ये जब आया था ना इसका नाम रखे नहीं थे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा और जो बोला ना रुई निकल रही थी जो कॉटन, तो वो बोले थे इसका स्नो नाम रख दिया। अच्छा नाम है, नाइस हो रहा है। तो अगर इसको देखने आने तो टाइमिंग बता दीजिए, इम्पोर्टेंट कौन से टाइमिंग में आए? देखने तो आप कभी भी आ सकते हो, हाँ, 4 बजे भी रात में और सुबह 7 बजे भी अगर मेरे से मिलना है तो। मैं यूजुअली कैसा है कि मेरा टाइमिंग जो है शाम में 8 से 12, 12:30, 1 बजे तक रहता है। ओके। आपको खाली बकरा ही देखना, मतलब अगर तो दिन में आके देखने मिलेगा, कभी भी आओ नागपाड़ा सुरती मोहल्ले में आओ, ओपन जगह है अपनी, और भी जो दूसरे बकरे हैं वो भी साथ में आपको देखने मिलेंगे जी। एंड बाकी आपका कलेक्शन अगर देखना है तो आपका इंस्टाग्राम पेज है अल मेहताब गुड फार्म नाम से है, ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रहा है वो, तो बाकी कलेक्शन भी देखने मिल जाएगा इंशाल्लाह। सानेन है वहाँ पे, कश्मीरी है और बोर नहीं है फिलहाल, ये बार एक था अभी गया, वो बच्चा लिए थे। हाँ, और अभी एक जिंग है ये देखने मिलेगा, एक बरबरा है उसके लिए डाला नहीं हूँ, डालूंगा। जैसे अभी फिलहाल थोड़े बहुत बकरे हैं, सेलिंग के भी जो है वो पेज पे आते हैं, लेकिन पेज पे मैं फॉर सेल नहीं लिखता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे सेल नहीं कर सकते बकरे, तो मैं सेल नहीं लिखता। एक्चुअली वो सेल के लिए नहीं, बट एक शौक जिसको होता है उसके लिए पेज बड़ा अच्छा है। अगर शौक के लिए देखना है कि अच्छी सिंग के अच्छी क्वालिटी के बकरे, ऐसा नहीं कि खाली मेरे, और भी पेज पे, मेरे पेज पे थोड़े अच्छे मिल जाए जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर आपका स्क्रीन पे, कांटेक्ट कर लेंगे आपको। जजाकल्ला खैर।